एमपी में एसपी ऑफिस के सामने कार में डिप्टी कमिश्नर की लाश मिलने से हड़कंप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एसपी ऑफिस के सामने कार में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कार में जो लाश मिली है वो स्टेट जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की है। जैसे ही कार में डिप्टी कमिश्नर की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली तो हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस कर्मियों ने सीपीआर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। 400 रुपए रोज कमाने वाला मजदूर एक झटके में बन गया करोड़पति। मध्य प्रदेश की हीरों की नगरी पन्ना में एक बार फिर एक मजदूर की किस्मत रातों रात बदल गई है, क्योंकि एक गरीब आदिवासी मजदूर जो अब तक 400 रुपए दिन की दिहाड़ी करता था अब करोड़पति बनने वाला है। दरअसल आदिवासी मजदूर को उथली हीरा खदान में एक बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे को मजदूर ने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है, जिसे अब आगामी नीलामी में रखा गया है। हीरे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। उज्जैन में अनोखा मामला, नीडल लगाकर शिवलिंग का खून से करता रहा अभिषेक। जी हाँ, महाकाल की नगरी उज्जैन में एक अनोखा मामला सामने आया है। सावन माह में भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन उज्जैन में सावन के महीने में एक भक्त ने शिवलिंग का अपने रक्त से अभिषेक कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि शिव मंदिर में 21 पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ यह अभिषेक करवाया। बाद देर रक्ताभिषेक करने वाला भक्त कुछ समय पहले ही अपनी जांघ की चमड़ी से अपनी माँ के लिए चरण पादुकाएं बनवाकर चर्चा में आया था। एमपी में सीएम राइज स्कूल का छज्जा गिरने से 7 छात्राएं घायल, वहीं 2 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में सीएम राइज स्कूल का छज्जा गिरने की घटना सामने आई है। इस घटना में क्लास में पढ़ाई कर रही 7 छात्राएं घायल हुई हैं, जिनमें से 2 को गंभीर चोट आई है। बता दें 11वीं क्लास की छात्राएं अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही थीं। इसी दौरान छज्जा उनके ऊपर आ गिरा। छज्जा गिरते ही चीख पुकार मच गई और पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। घटना का पता चलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया। एमपी में भाजपा नेता की गंदी बात, तलाकशुदा महिला का उठाया फायदा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक भाजपा नेता पर रेप का आरोप लगा है। तलाकशुदा महिला ने भाजपा नेता पर रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर भाजपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि भाजपा नेता ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और आर्थिक मदद करने के बहाने उसे अपने यहां नौकरी पर रखा और फिर दफ्तर में ही उसके साथ रेप करता रहा। कांग्रेस विधायक के बंगले पर ईडी का छापा, 60 करोड़ रुपए के मामले की चल रही पूछताछ। टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई ईडी ने विधायक और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के निवास लाल दरवाजा पर बुधवार तड़के 5 बजे शुरू की थी। अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक मामला करीब 60 करोड़ के फ्रॉड का बताया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले भी असम पुलिस ने ऐसी ही दबिश दी थी। इस समय यादवेंद्र सिंह बुंदेला से पूछताछ किए जाने की जानकारी मिल रही है। भोपाल के बड़े तालाब में कूदे युवक युवती, इलाके में फैली सनसनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मुख्यमंत्री निवास के पास बुधवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब यहां बोर्ड क्लब पर बड़े तालाब में एक युवक और युवती के शव पानी में तैरते पाए गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची श्यामला हिल्स पुलिस ने रेस्क्यू दल की सहायता से दोनों शवों को पानी से बाहर निकालकर पंचनामा बनाया। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल रवाना कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। विभाग छीने जाने की नाराजगी बरकरार, पहली बार बोले मंत्री नागर सिंह। मध्य प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी का विवाद अभी तक थमा नहीं है। बीजेपी नेताओं ने ऊपरी तौर पर यह दिखाने की भरसक कोशिश की है कि मामला अब ठंडा पड़ चुका है, लेकिन अंदर आग अभी भी लगी हुई है। मंत्री नागर सिंह चौहान का साफ कहना है कि उनको जो कुछ भी कहना था वह पार्टी फोरम में बोल चुके हैं। अब बारी पार्टी के मुखिया की है, अब जवाब पार्टी के मुखिया को देना चाहिए। कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मासिक वेतन में 2,535 रुपए तक की वृद्धि। जी हाँ, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन में हर माह 2,535 रुपए तक का लाभ दिया गया है। राज्य के संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के लिए CPI इंडेक्स जारी करते हुए यह वेतन वृद्धि की गई है। इसके आधार पर प्रदेश के करीब 2.5 लाख संविदा अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया है, जिसका लाभ 1 अप्रैल से मिलेगा। अब संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक के आधार पर 3.87% वार्षिक वृद्धि मिलेगी।
आरोपी को पकड़ने पहुंची। फोर्स तो हो गया, जबरदस्त बवाल, गुस्साई भीड़ ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। एमपी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विष्णुपुरा गांव पहुंची थी। इस दौरान आसपास के इलाकों के लोग इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते हजारों लोगों ने आरोपी के घर को घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने जब आरोपियों को सुरक्षा देने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर भी पत्थर और कांच की बोतलें बरसाई गईं। इस दौरान पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन भीड़ ने फायर ब्रिगेड पर पथराव शुरू कर दिया। दरअसल आरोपी फरीद खान ने बीच सड़क पर एक महिला की पिटाई की थी। वीडियो जब वायरल हुआ तो हिंदू संगठन महिला के पक्ष में उतर आए और थाना प्रभारी पर आरोपियों के खिलाफ नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया।